अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9-10, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नेम इज लॉगरिथम्स, एक्सरसाइज नंबर 3.6। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। हमको एक क्वेश्चन में लॉगरिथम्स की वैल्यू मालूम करनी है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एवरी ईयर वन क्वेश्चन ऑलवेज कम इन द एग्जाम्स। सो नाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आई विल कॉपी हियर द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द क्वेश्चन इक्वल टू एक्स। ओके, एक्स के बराबर लूंगा पूरा क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू 85.7 मल्टीप्लाई 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल राइट द टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस क्वेश्चन के दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। ओके, यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग, नाउ आई विल मेक अ बॉक्स ब्रैकेट, लार्ज बॉक्स ब्रैकेट हेयर, बिकॉज आई हैव टू राइट द लॉग विद दिस टर्म। ओके, सो 85.7 मल्टीप्लाई 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। सो नाउ स्टूडेंट, आई विल राइट हियर लॉग एक्स ऑन द डाउन साइड लाइक दिस। ये लॉग स्टूडेंट्स, दिस लॉग इज मल्टीप्लाइंग फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ओके, सो नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस लॉग विद 85.7 लॉग 85.7। ओके स्टूडेंट्स, दिस मल्टीप्लाई विल बी कन्वर्ट इन द प्लस। ओके, अब यही लॉग इसके साथ भी लिखा जाएगा, ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, लॉग 2.47। और ये जो डिवाइड हो रहा है 8.89, जब ये ऊपर जाएगा तो डिवाइड किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, माइनस में। ओके, तो यहाँ माइनस का निशान लगा दिया और इसके साथ भी लॉग लिखा जाएगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ लॉग इसके साथ भी, लॉग 8.89। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला। ओके, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। इस लॉग को इसके साथ लिखा मैंने, तो ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, ये लॉग इसके साथ लिखा। ओके, अब ये डिवाइड है तो डिवाइड के नीचे जो 8.89 है, जब ये ऊपर जाएगा तो डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस में। फिर लॉग को इसके साथ भी मैंने लिखा। ओके, ये देखिए, नाउ आई विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, सो हेयर आई एम राइटिंग हेयर डाउन on log x is equal to, now I will find the value of 885.7 in of log. इसको मैं log मालूम करूँगा कैलकुलेटर से। देखिए, this is my calculator students, first of all I will press the log, मैंने log का बटन दबाया सबसे पहले। ओके, first of all I will on the calculator, मैंने क्या what should I do here log, ये log का बटन है ये वाला, इसको मैं दबाऊंगा। ओके, दबा दिया, प्रेस कर दिया, यहाँ लॉग लिखा हुआ आ गया। अब मैं स्टूडेंट्स, ये 85.7 इसको मैं प्रेस करूंगा, 85.7 इक्वल का बटन दबा दूंगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, देखें लॉग 85.7 की वैल्यू आई 1.9329। बस पॉइंट के बाद चार डिजिट लेने, 1, 2, 3, 4, तो हम लेंगे 1.9329। ओके, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1.9329। ओके, अब ये लॉग नहीं लिखा जाएगा, लॉग खत्म हो गया, हमने इसकी वैल्यू मालूम कर ली। अभी प्लस का निशान लगाया स्टूडेंट्स, इसी तरह अब हम 2.47 लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे, तो देखें कैसे मालूम करेंगे। इसको पहले जीरो पे लेके आऊंगा, लॉग का बटन दबाऊंगा, ये लॉग का बटन पहले मैंने दबाया, अब मैं क्या लिखूंगा 2.47, तो मैंने लिखा 2.47। ओके, इक्वल का बटन दबा दिया, तो क्या वैल्यू आई मेरे पास, इसको इक्वल का बटन में दबाऊंगा, यहाँ क्या वैल्यू आई, 0.3926। 26 के बाद 9 आ रहा है, तो आप इसको 27 ले लें, क्या लूँगा, 0.3927। ओके, 0.3927 स्टूडेंट्स। ओके, अब ये लॉग की वैल्यू मालूम की, तो लॉग नहीं लिखा जाएगा। अब ये माइनस का निशान लगा दिया मैंने,
अब लोग 8.89 की वैल्यू मालूम करूँगा, तो यहाँ से कैलकुलेटर को दोबारा जीरो पे लाऊँगा। ओके, यहाँ मैंने लॉक का बटन दबाना है सबसे पहले, ये लॉक का बटन ये है, ये इस लॉक को प्रेस करूँगा सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स, ये देखेंगे 8.89 लिखूँगा, तो देखें लिख रहा हूँ 8.89 इक्वल का बटन दबा दूँगा। क्या वैल्यू आई मेरे पास लॉग 8.89 की, 0.9489। क्या आई, 0.9489। यहाँ लिख दूंगा 0.9489, ये इसकी वैल्यू आई, तो लॉग अब नहीं लिखा जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम राइटिंग हियर लॉग एक्स। स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं पहले उनको प्लस कर लें, इन दोनों को हम पहले प्लस कर लेते हैं। ओके, फिर बाद में इसके साथ हम माइनस कर देंगे। तो नाउ आई एम डूइंग प्लस ऑफ दीज टू वैल्यूज, 1.9329 प्लस विद 0.3927 इक्वल का बटन दबाया, तो आंसर आ गया 2.3256। इन दोनों वैल्यूज को मैंने प्लस किया तो आंसर यह आया है। अब ये उतार दूंगा नीचे, माइनस 0.9489। स्टूडेंट्स इसकी साइन माइनस है, इसकी प्लस है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे, यानी कि इन दोनों को माइनस करूंगा। ओके, माइनस विद 0.9489, ये आंसर आ रहा है 1.3767। लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.3767। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसका एंटी लॉक मालूम करूंगा, तो लाजमी एक्स के साथ लॉक मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर आएगा, तो ये लॉक किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉक में। सही है स्टूडेंट्स, तो बाकी स्टेप में यहाँ कर लेता हूँ, इधर देखें ऊपर, ये लॉग एक्स जो के बराबर आ रहा है 1.3769 के, तो ये एक्स जब भी लॉक उधर जाएगा तो एंटी लॉक में तब्दील हो जाएगा, तो 1.3769 और आगे लिख दें एंटी लॉग। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका कैलकुलेटर पर एंटी लॉक मालूम करूंगा, तो एंटी लॉक कैसे मालूम करते हैं, पहले शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, फिर लॉक का बटन दबाऊंगा, तो फिर इक्वल का बटन दबाऊंगा, तो मेरे पास इसका एंटी लॉग आएगा। देखें कैलकुलेटर है मेरे पास यहाँ पे, यह सबसे इसको जीरो पे किया, सबसे पहले मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, देखें सबसे ऊपर कोने में SHIFT शिफ्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने शिफ्ट का बटन दबाया, अब उसके बाद हम दबाएंगे लॉक का बटन, ये वाला, तो हमने लॉक का बटन दबाया ये वाला। अब हम वैल्यू पुट अप करेंगे, किसके वैल्यू मालूम करनी है, 1.3769 का एंटी लॉग मालूम करना है, तो हम लिखेंगे 1.3769। अब इक्वल का बटन दबा देंगे स्टूडेंट्स ये वाला। ओके, क्या आंसर आया हमारे पास, ये आया है 23.8177। क्या आया है, बाकी हम दो डिजिट लेंगे पॉइंट के बाद, 23.81। ओके, तो एक्स बराबर हो गया 23.81 एंड दिस इज माई आंसर। ओके स्टूडेंट, ये मैंने एंटीलॉक मालूम कर लिया है, अब ये एंटीलॉक लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज दिस क्वेश्चन कम इन द 10 ईयर। ओके, दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ 3.6। ओके, कैसे किया, हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक क्वेश्चन इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर लिया, फिर दोनों तरफ लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, ये लॉग लिया, उसके बाद ये एज इट इज उतार दिया, तो लाजमी बात है लॉग को अब मैं सबसे ऊपर न्यूमिनेटर के साथ जब लिखा इसके साथ, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, प्लस में चेंज हो गया, लॉग को इसके साथ भी लिखा, और ये डिवाइड का निशान के नीचे जो 8.89 जब ऊपर जाएगा तो ये किस में चेंज हो गया, डिवाइड माइनस में चेंज हो गया, तो 8.89 के साथ ही मैंने लॉग लिख दिया। अब कैलकुलेटर में इनकी वैल्यूज़ मालूम की लॉग की। ओके, इन दोनों को प्लस किया, ये आ गई, माइनस एज इट इज, इसको इसमें से माइनस किया, 1.3769 आया, तो इसका मैंने एंटी लॉग मालूम किया, एक्स के साथ लॉग मल्टीप्लाई रहा, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा, ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, एक्स के साथ लॉग जब उधर जाएगा तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। तो कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग कैसे मालूम किया, पहले शिफ्ट का बटन दबाया, फिर लॉक का बटन दबाया, फिर इक्वल का बटन दबाया, तो ये मेरे पास इसका एंटी लॉग आ गया, ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल,
आई विल बी वेरी थैंकफुल टू माई ऑल स्टूडेंट्स. ओके थैंक यू वेरी मच.